हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे फूड सफारी। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एजे किचन में ड्राई सोया चाप की रेसिपी विद बेल पेपर। तो काफ़ी टेस्टी सी और थोड़ी सी यूनिक सी रेसिपी है। इसमें कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी हैं जिससे आपकी जो सोया चाप है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ली हुई है सोया चाप। तो यहाँ पे मैंने 6 स्टिक ली हूँ सोया चाप की, जिन्हें हम रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सोया चाप को बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के लिए एक भगोने में आप पानी ले लें और उसके बाद इसमें जो सोया चाप स्टिक्स है वो ऐड कर दें, थोड़ा नमक ऐड कर दें और 10 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करें। तो अभी आप देख सकते हो जो सोया चाप है हमारी वो थोड़ी सी फूल गई हुई है अपने एक्चुअल जो साइज था उसका उससे, और पानी की सतह पे भी तैरने लगी है। तो यानी ये सोया चाप जो है हमारी ये पक चुकी है और अब हम उसे निकाल लेंगे। तो ये जो पानी है ये आप हटा दें। तो अब चलिए हम फटाफट सोया चाप को जो है वो हम फ्राई करेंगे। तो एक पैन में हमने ऑयल ऐड किया हुआ है, तो जैसे ही ऑयल हमारा हीट हो जाएगा हम इसमें अपनी सोया चाप जो है वो ऐड कर देंगे और फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो गाइस, आप जब भी ये सोया चाप की रेसिपी बनाएं, खासकर ये ड्राई रेसिपी, तो आप सोया चाप को बॉयल करके तुरंत निकालें और निकालने के बाद फटाफट तुरंत ही इसे आप फ्राई कर लें। ठंडा होने के लिए मत रखें। अगर आप सोया चाप को ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे तो इनका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा, ये काफ़ी हार्ड हो जाती हैं। तो चाप जो है फ्राई हो चुकी हैं और अब हम यहाँ पे फ्राई करेंगे प्याज। तो 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे जिन्हें थोड़े से मोटे स्टिक में स्लाइसेस में हमने कट कर लिया हुआ है और इसे हम लाइट ब्राउन फ्राई करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें 7 से 8 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे जिसको पतला पतला चॉप कर लिया हुआ है। तो जैसे ही इन सारी चीज़ों का कलर जो है हल्का सा चेंज हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे काजू। तो हमने यहाँ पे 10 से 15 काजू लिए हुए हैं और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर भी यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के लिए हुए थे जिन्हें कट कर लिया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को अब हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि टमाटर हमारी ये प्रॉपर सॉफ्ट नहीं हो जाते, इन सारी सब्जियों का जो है कच्चापन जो है वो निकल नहीं जाता। तो सब्जियाँ हमारी ये फ्राई हो चुकी हैं, आपको इसी स्टेज तक फ्राई करना है और अब आप इन सारी चीज़ों को निकाल लें एक अलग बाउल में। निकालने के बाद आप इसे प्रॉपर ठंडा होने के लिए रख दें। तब तक चलिए हम चाप की तैयारी कर लेते हैं। तो चाप जो है हमारी वो ठंडी हो चुकी है और अब हम उन्हें इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लेंगे। बीच से कट करने के बाद इसकी जो स्टिक्स हैं वो हम सारी स्टिक्स हटा देंगे और सारी चापों को सेम प्रोसेस से हम कट करेंगे। तो जब आप इन्हें कट करेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितनी सॉफ्ट हैं। और बस इसी तरीके से हम इनके बीच से भी 2 टुकड़े कर लेंगे और हम इन सारी चाप को रेडी कर लेंगे। तो चलिए गाइस, अब बना लेते हैं चाप के लिए मसाला। तो मसालों में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो है वो आपकी जो करी है उसको एक अच्छा सा कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 चम्मच मीट मसाला। मीट मसाला काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो आप जब भी इस तरह की सब्जी बनाएं तो आप कभी कभी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस ड्राई सोया चाप रेसिपी में मैंने मीट मसाले का यूज़ किया हुआ है। जीरा पाउडर लेंगे हम यहाँ पर, काली मिर्च पाउडर, साथ ही साथ हम यहाँ पे दालचीनी का पाउडर ऐड करेंगे, कसूरी मेथी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे।
इससे क्या हुआ, मसाला हमारे अच्छे से फूल जाएंगे और पकाते समय ये जलेंगे नहीं। अब हमने लिया यहाँ पे मिक्सर जार और इसके बाद हम यहाँ पे जो हमने प्याज और मिर्च प्याज टमाटर और ये सारी चीज़ें हमने ली थी, इन्हें हम ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसका हम एक अच्छा सा बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट रेडी हो चुका है, तो हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। चलिए अब हम करी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सेम पैन लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो आप हटा दें, 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल रहने दें। इसके बाद इसमें ऐड करें तेज पत्ता, देन इसमें आप ऐड करें मसाला जो हमने ड्राई मसाले लिए हुए थे वो सारे, एक चम्मच हम यहाँ पे ऐड करेंगे रेड चिली पेस्ट। तो ये रेड चिली पेस्ट आप घर पे भी बना सकते हो, आपको मार्केट में मिलेगा, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर नहीं है आपके पास तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो सारी चीज़ों को चला के हम तब तक भून लेंगे जब तक कि जो तेल है और मसाले हैं बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाते। और इसके बाद हम पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने प्याज टमाटर का बनाया हुआ है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम कवर करके इसे 5 से 10 मिनट के लिए हम कुक करेंगे, ताकि ये जितना भी मसाला है वो एक बार और अच्छे से कुक हो जाए। तो भी आप देख सकते हो मसाला अच्छे से भुन चुका है, तेल भी सेपरेट हो चुका है और अब हम ऐड कर देंगे चाप। चाप ऐड करने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेल पेपर यानी शिमला मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 3 कलर की शिमला मिर्च ली हुई है, टमाटर लिया हुआ है, प्याज लिया हुआ है जिनको बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया हुआ है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम दोबारा से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। तो जो घी है वो मसाले के फ्लेवर को एडजस्ट करेगा। तो आपको इस तरीके की और भी सोया चाप की रेसिपी अगर चाहिए तो मेरी YouTube पे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, आपको सोया चाप की बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। तो अभी आप देख सकते हो हमारी सोया चाप जो है वो बन के रेडी हो चुकी है, सारी सब्जियाँ भी कुक हो चुकी हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये सोया चाप रेसिपी है, आप इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करो। तो चलिए गाइस अब इसे फटाफट हम सर्व कर लेते हैं। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, आप अपने घर पे इसे ट्राई ज़रूर करें। इसी तरीके कंटेंट और इसी तरीके की थोड़ी रिच फ्लेवर वाली सब्जियाँ और अदर फूड लेके मैं आपके साथ मिलती ही रहती हूँ। सो ऑलवेज गाइज मेड फ्रेश, ईट हेल्दी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग AJ फूड सफारी।